जब से ये दीप्ति शर्मा खेल रही है, पूनम यादव जी खेल रही हैं, तो फिर बच्चियों में इजाफा तो हुआ है। वो बच्चियां घर से निकल के ग्राउंड तक आ रही हैं। देखिए 95 का बताता हूँ मैं कि जब आगरा स्टेडियम के अंदर एक लड़की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन आज इसी आगरा शहर के अंदर लगभग 100+ गर्ल्स प्रैक्टिस करती हैं डिफरेंट सेंटर्स के अंदर। दीप्ति जब 9 साल की थी, हेमा दी ने फर्स्ट टाइम देख के बोल दिया था ये बच्ची प्रैक्टिस करे तो एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेगी, और आज दीप्ति इंडिया के लिए खेल रही है। एक बार जो है उसका प्लास्टिक का बल्ला लेकर के एक कंकड़ी ली और उसमें मारा खींच करके और मेरी पीठ में आकर के लगी। अरे मैं कि जो है भैया जो है इसको ले जाओ कहीं जो है स्टेडियम में और इसे खिलाओ जाके, ये तो बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी। उन्हें मेरे पीठ को ही तोड़ दिया आकर के जो है। जिस दिन मैच होता है ना तो मेरी नींद, रात की नींद गायब हो जाती है, दिन का चैन गायब हो जाता है। मेरे को ये लगता है कब ये मैच शुरू हो और कब मैं बिटिया का मैच देखूं। परिवार में सबसे छोटी है लेकिन भावनाओं में और कर्तव्यों में सबसे बड़ी है। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है और वो जब आती है हम कहते हैं बेटा पोहा तुम बना के सुबह नाश्ते का, तो वो इतना अच्छा बनाती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करती है, हनुमान जी की तो पूरी भक्त है। मैं दीप्ति को ग्राउंड जब प्रैक्टिस के लिए ले जाया करता था तो कई बार मैं होता था कि चल आज नहीं जाते हैं, पापा जी से वो शिकायत कर देती थी कि पापा जी भैया जाने के लिए मना कर रहे हैं, उनको बोलो। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं वर्ल्ड कप खेल रही हूँ कि मैं डोमेस्टिक का ही मैच कर रही हूँ। उसका आप देखो, उसका बॉडी उसको मस्त रहती है और बिंदास और बहुत डिटरमिन है। मैं रघुवीर सिंह यादव, फादर ऑफ पूनम यादव, इंटरनेशनल क्रिकेटर। एक्चुअली हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में और हम बहुत ही उसकी इंटरेस्ट को हल्के से लेते थे। इनके कोच हुआ करते थे अफगान सर, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बच्ची छोटी सी ज़रूर है लेकिन इसके अंदर एक जुनून है खेलने का, इसे रोकिए मत, आप खेलने दीजिए। पड़ोस के मोहल्ले के लोग कहते थे कि यही लड़की इंडिया खेलेगी क्या। अब तो जो लोग कहते थे, कहने वालों का तो मुंह बंद हो गया। मेरी मिसेज हैं तो जिस दिन गेम होता है, मैच होता है, उस दिन शाम को पहले ही खाना बना के रख देते हैं। वैसे तो हमें खाना गर्म मिलता है लेकिन उस दिन वो पहले ही बना के रख देंगे और ले आज मैच आने वाला है। अब तो मैं जब तक मैच शुरू होता है उससे पहले ही मैं बैठ जाती हूँ और फिर कोई हमसे कुछ मांगे मैं नहीं दे सकती, ले सकती। पिछले साल वर्ल्ड कप मेडल जीता था। पड़ोस के ही भी बच्चे कहते थे, वो कहते थे अरे आंटी पूनम को मत भेजा करो, लड़कियाँ तो कोई नहीं खेलती, लड़के ही लड़के खेलते। मैंने भी डांटा, मैंने कि नहीं जाना, उनकी कोई लड़की नहीं खेलती है तो क्यों खेलती। फिर बोली मम्मी इसका ये डर नहीं है कि लड़की है, इसका ये डर है मैं इसको आउट कर देती। आगरा को अगर क्रिकेट की यहाँ ऊपर तक पहुँचाने में हिमलता काला सबसे बड़ी शख्सियत है, क्योंकि उन्होंने एक पेड़ लगाया था आगरा के अंदर वुमेन्स स्टेट का, वो आज काफ़ी ऊपर है। क्योंकि एक महिला अकेले खेलते हुए आज वो जिस मुकाम में है, आज BCCI की चेयरपर्सन है, टॉप सीड है वो BCCI की। जितनी खेल रही थी तो मेरे पास 6-7 लड़कियाँ थी। और अब कितनी लड़कियाँ आपके साथ? अब मेरे पास 30-35 लड़कियाँ। आफ्टर वर्ल्ड कप मैंने देखा बहुत सारी गर्ल्स आके इस चीज़ के लिए थी कि हमें क्रिकेट खेलना है, तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स रोल मॉडल हैं गर्ल्स के लिए। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? दीप्ति शर्मा। क्यों?
क्योंकि मेरे को बैटिंग करना बहुत पसंद है और उसकी बैटिंग मेरे को अच्छी लगती है। मुझे बैटिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें शॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, हर टाइप के शॉट्स आपको खेलने को मिलते हैं, जैसे बैक फुट डिफेंस ऐसे सारे शॉट होते हैं, इसलिए मुझे बैटिंग बहुत अच्छी लगती है। चार कंट्री प्लेयर दिए शहर को, तो यही आगरा का अचीवमेंट है कि आज वुमेन्स क्रिकेट का हमें सबसे बड़ा हम मानते हैं इंडिया के अंदर आगरा को।